सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने ब्लॉग से इस तरह का जो होता है इसको साफ कैसे हम लोग हटा सके। बहुत लोग परेशान हैं इससे, इसको रखना नहीं चाह रहे हैं। और दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप कैसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे अपना नाम कैसे लगा सकते हैं, तो इसमें ये दो चीज़ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। इसका कलर चेंज कर देंगे और इसका इसको हम यहाँ से कम्प्लीटली अभी हटाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का बटन आप ही लोगों के लिए फटाफट दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस पेज को हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये एक डेमो क्लास है, इसमें सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं अपने वेबसाइट में इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये अच्छा लगता है, इसमें मैं अपना नाम वगैरह लिख दूंगा तो अच्छा लगेगा। चलिए, तो हम फिलहाल इसे हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ का कलर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं, जैसे हमारा वेबसाइट में रेड कलर का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे HTML कोडिंग का कलर आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेड कलर HTML कोड यहाँ पे सर्च करना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कोडिंग का कलर है, ये कोडिंग आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। तो सिंपल हम ब्लॉगर के टेम्पलेट में जाएंगे। ठीक है, टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ थीम के ऊपर हम यहाँ से क्लिक करेंगे और एडिट HTML करेंगे और इसको अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि इसराइल पहले से करके रखा हुआ है। हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अब सिंपल है, हमें इतना सा इसको यहाँ से कॉपी करना है। चलिए, कॉपी कर लिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग टाइम दीजिएगा, समझे। और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल F दबाना है ऐसे करके और यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इंटर मारेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, तो हमें कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक हटा देना है। ठीक, हटा दिया हमने और इसे हमें यहाँ से हटा देना है। यहाँ पे देखते चले जाइए, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मुसीबत होने वाला है। ये हटा दिया हमने। अब हम लोग इस इमेज को हटाएंगे, यानी किस इमेज को हटाएंगे, ये एक इमेज है। ठीक है, ये एक इमेज है, इसे हम लोग यहाँ से हटाएंगे। तो हटाने के लिए यहाँ से हम लोग देखेंगे डिड और यहाँ तक लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ले लिया और यहाँ पे ऊपर वाले को भी हम लोग यहाँ से हटाएंगे। देखते चले जाइए, आप देख लीजिए। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। अब सिंपली हम यहाँ से हाइड वायरिंग कर देते हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, बस इतना सा काम था। आप वीडियो देख कर, वीडियो रोक करके इत्मीनान से कीजिएगा तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली यहाँ पे सेविंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये सेव हो गया। अब हम लोग इसे थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कम्प्लीटली यहाँ से गैप हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसका कलर यहाँ से चेंज करेंगे, किसका, इसका। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे कलर चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, एक नोट पैड आपको मिल जाएगा, इसे आपको सर्च करना होगा। ये अगर सर्च नहीं कीजिएगा तो मुसीबत हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से सर्च करते हैं, इसको कॉपी कर लिया हमने, क्योंकि ये HTML कोडिंग है दोस्तों, HTML कोडिंग का भाषा आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, इसीलिए मैंने कहा उसे कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर कंट्रोल F, यहाँ पर कहीं भी माउस रख देना है और कंट्रोल F दबाइएगा तो इस तरह का यहाँ पर बॉक्स दिख जाएगा और इसमें हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इंटर मारेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये कोड को ये फाइंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसके बाद ये कलर है, यहाँ पे आप जो भी कलर देना चाहते हैं दे दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे रेड के बारे में बात कर रहे थे, तो रेड का कलर HTML कोडिंग का कलर यही होता है रेड का। तो सिंपल हम यहाँ पे इसे सेव करेंगे, बस हमने यहाँ पे डाल दिया। अब दूसरा कोड है दोस्तों, ये दूसरा कोड को भी आपको कॉपी करना होगा। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पे कहीं पे माउस ले जाकर रखेंगे और कंट्रोल F दबाएंगे।
ठीक है, कंट्रोल एफ दबाने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो देख रहे हैं, अब हमें यहाँ पे भी कलर को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे भी कलर को चेंज करना है तो सिंपल है। तो अभी हम लोग फिर वही रेड वाले को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया हमने, अब थीम को सेव कर लेते हैं। थीम को सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है, कि क्या हुआ नहीं हुआ, सारा चीज़ आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा। सेव हो गया और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियो अभी डिले कर रहे हैं। यहाँ पे देख लिया आपने, ये सारा का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों बस एक छोटा सा प्रोसेस होगा, उसे आप फॉलो कीजिए और आप भी यहाँ पे आसानी के साथ हमारे तरह जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम दिखा देते हैं आपको टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल का जो वेबसाइट है, यहाँ यूट्यूब चैनल से भी जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, हमारे वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख रहे हैं कलर, ये जो कलरफुल हमने किया, बस यही दो कोडिंग किया था, तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।